नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से लेकर अगले दो दिनों तक में मेष राशि वाले जातकों का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। आप सभी मेष राशि वाले और संपर्क संवाद कर भी और मेलजोल के सहज रहेंगे, भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेंगे, महत्वपूर्ण भी और अपने अवसरों को पहचानने में तेजी बनाए रहेंगे, लोगों के जोड़ भी आपके लिए आगे बढ़ेंगे, काम काज संवारने के भाव भी बनाए रहेंगे, सभी मामलों में शुभता संवार बढ़ाएंगे, आर्थिक विषयों में और वाणिज्यिक गतिविधियों में सक्रियता बनी रहेंगी, सुख सूचना भी प्राप्त होंगी, सुख शोक भी साझा करेंगे, विभिन्न मौके का लाभ उठाने के लिए प्रयास बनाए रखेंगे, उत्साह के भी आत्मविश्वास से भी सफलताएं पाएंगे, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा, विभिन्न मामले विपक्ष में बनेंगे, संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे और मन की भावना को भी नियंत्रण भी और बनाए रखेंगे, निजी और विषय पर फोकस भी बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत संबंध मधुर बनाए रखेंगे, पद प्रतिष्ठा में प्रभाव भी आपके लिए बल मिलने वाली है, अपनी उपलब्धियों को करीबियों से भी साझा करेंगे, यात्रा की संभावनाएं बनी रहेंगी, असहजताएं स्वतः भी दूर होंगी, कार्य को भी पूरा करने में उत्साह भी बनाए रहेंगे, संबंधों में सुधार लाएंगे और भाई बंधुओं के सहयोग भी समर्थन से भी उत्साहित भी रहने वाली है, रचनात्मक और विषयों पर रुचि भी आपके लिए बढ़ने वाली है, काला कौशल का भी सबका जीत भी और दिल भी जीतने वाली है, साथ सम्मान के प्रभाव में वृद्धि होंगी और आर्थिक विषयों में रुचि बनाए रहेंगे, निजी मामले सरलता भी और बढ़ाएंगे, अपनों के सुझावों के भी और सम्मान रखेंगे, कार्य व्यापार में शुभता रहेंगी, व्यवसाय की समृद्धि भी बल पाएंगे, मित्र के सहयोगी भी मदद भी और बनाए और रखने वाली है और सबसे समाज बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावशाली रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा और शारीरिक संकेतों पर नज़र भी आपको रखने होंगे, आपके मन में कोई इच्छा भी पूरी भी हो सकती है, अपनी बुरी आदतों को भी दूर करने के लिए प्रयास करें, परिवार के परिचित भी को याद यदि कोई भी बीमारी है तो फोन पर भी या हाल चाल भी अवश्य ले, बच्चों के भी कोई भी समस्या हल भी कर सकते हैं, जीवन साथी के भी मूड का भी पूरा ध्यान भी रखना आपके हित में रहेगा, प्रेम के मामले नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं और आप अच्छी और फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, जमीन से संबंधित बिजनेस करने वालों के लिए फायदे होने के योग भी बन रहे, उद्योग धंधे में से सहयोगियों के भी आकरण मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहने होंगे, आप अपने उद्देश्य को भी पाने के लिए अधिक और डेडिकेशन के साथ में काम करना शुरू करेंगे, जंक फूड के प्रति भी लगाव भी रहने इसके भी बावजूद उसे खाने का नियंत्रण में रखना भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप कर रहे तो सावधानी रखनी होंगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए भी आज से लेकर अगले दो दिन में आपके लिए भागा दौड़ भरा हुआ भी दिन भी रहने वाली है, आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी पूरा करने का भी पूरी कोशिश करेंगे, नए मित्रों से भी और आपके लोगों से भी सहज भी रहेंगे, यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो भी उसमें सावधानी बरतें, बिजनेस कर रहे लोग भी किसी स्कीम को भी हिस्सा बनने से भी और पहले अपने और किसी भी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत अवश्य करनी होंगी, आप कुछ नई चर्चाओं में सम्मिलित होंगे, आपको अपने व्यक्ति और परिजन के भी कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकते हैं, आपको वृद्धों के लिए भी चालों को समझना होगा, संतान से आप किसी भी